नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल उमेश राय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डीप लाइट की टार्च है दोस्तों, तो इसमें ये पूरी डेड है पूरी तरीके से, कोई बैटरी ख़राब है। बैटरी डाल के मैं पूरा प्रोसेस जो इसका है कि क्यों नहीं जल रही है, बैटरी भी ये वाली चेंज करूँगा, ठीक है। तो इसका भी प्रोसेस बताऊँगा कि बैटरी कैसे, डीप लाइट टॉर्च, नैनो टॉर्च है जो ये आजकल बहुत चलती है टॉर्च। ये टॉर्च अच्छी भी है दोस्तों, क्योंकि इसमें छोटा सा सर्किट है और जो लोकल उसमें आप लेबल हो जाते हैं, बन जाती है, रिपेयर हो जाते हैं, आप स्वयं भी बना लेंगे। तो आज मैं बिल्कुल खोल के और ये नई बैटरी लगा के आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाला, अगर आपके पास इस तरह की हो तो वीडियो को देखकर आप बना लेंगे। मैं एक इसका सर्किट भी आपको इस वीडियो में दूंगा कि आप उसके वायरिंग अगर टूट जाए, छूट जाए, तो उसको कैसे आप घर में ही रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं खोल लेता हूँ। तो 2, 3, 5, 2, 7 खोलते हैं हम, तो उनकी अलग अलग साइज और नाप रहता है, ठीक है, नटों का। कोई बोल्ट छोटी रहती है, कोई बड़ी रहती है, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जो जहाँ पे नट हो वहीं पे ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये नट मैंने खोल लिया है और क्या करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए, ये हो थोड़ा वायरिंग अंदर रहती है, ये देखिए कितने आसानी से इस तरह इसको पूरा नहीं, ये ढक्कन निकालना है। पीछे आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये सर्किट है, ठीक है। इसका तो हम इसको आराम से इसको निकाल लेना है, ठीक है। ये इतना छोटा इसका सर्किट है, सर्किट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नॉर्मल है। सिर्फ एक डायोड IN4007 ये लगा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी रेजिस्टेंस, और ये LED, ये चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है। 12 वोल्ट चार्जर से चार्ज होती है, ठीक है। 12 वोल्ट का इससे अलग से चार्जर आता है, उसमें लगाया जाता है। चलिए मैं देर नहीं करता हूँ, और शायद ये वायर छूटा हुआ है, तो इसको पहले मैं एक दूसरे वायर से इसको जोड़ लेता हूँ ताकि उसके साथ, क्योंकि ये तार छोटा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वही वायर यहाँ पे पेस्ट लगा के थोड़ा, वही वायर आपका, ये वायर आपको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। थोड़ा इसमें भी हम पेस्ट और आंगा लगा लेना है बराबर से। वायर को आप DC 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट DC रेंज में आपको रखना है। बैटरी का ये लाल वाला प्लस का है और ये काला वाला माइनस का, तो इसमें हम इसको रखेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए 2.11, 2 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 4.14, ठीक है, 4 वोल्ट से ऊपर आ रही है। क्योंकि बैटरी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है सील्ड लीड एसिड रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है। कोई भी बैटरी हो, छोटी हो या चाहे बड़ी, तो उसमें एसिड यानी तेजाब थोड़ा मात्रा ज़रूर पड़ती है। ये ऐसे पैक की जाती है, तो इसको लोग ड्राई बैटरी बोल देते हैं। ड्राई नहीं, इसमें भी तेजाब रहती है, कोई भी बैटरी हो। तो हमें निकाल लेना है, यानी बैटरी को हमको निकालना है। निकल आया है ये बैटरी, आराम से आपको रिमूव कर लेना है। इस तरह कुछ फंसी रहती है, ठीक है, इसको आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये देखिए कुछ पुरानी बैटरी इस तरह है, अगर इन बैटरी की तुलना की जाए, देखिए ये दोनों बैटरी सेम है, ठीक है। रेती से आप थोड़ा सा इनको, आप इनको ऐसे रगड़ सकते हैं, साफ करना पड़ेगा, यानी इनका जो वायर है तभी इसमें रंगा और पेस्ट कनेक्ट होगा। तो इस तरह आपको दोस्तों इनमें थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह आपको उसको लगा देना है, यहाँ इनमें आपको लगा देना है, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी वही करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये उठ जाए तो अच्छी बात है, पुरानी बैटरी थी। तो ये आप यहाँ इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। वाला ये बैटरी का माइनस में हमको जोड़ देना, आइए इसको भी हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए मैं इसको, ये देखिए ये कहीं से लूजिंग है, ये जलने लगे, ये देखिए
ठीक है, ऑन पोजीशन में था तो ये जलने लगा। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट है। ठीक है, ये देख लीजिए आगे की भी जल रही है और पीछे की जो, यहाँ मैं बता दूँ तो यहाँ आगे की ये जल रही है कि नहीं। तो दोस्तों इनमें अधिकतर इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो जाए, चार्ज बिल्कुल ना जले या कुछ देर चार्ज होने के बाद बहुत देर बैटरी लगी रहती है और चार्ज नहीं होती है, तो आप बैटरी बदल के कोई भी इसमें बैटरी जितनी आप छोटी बड़ी डालना हो बैकअप के हिसाब से है आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने जोड़ दिया है पीछे की लाइट, ये कनेक्शन बगल वाली लाइट का, अब इसको मैं ऑन करके ये देख रहा हूँ। ये देखिए ये 100% हमारी टॉर्च न्यू की न्यू हो गई, सिर्फ बैटरी की वजह से ये बेकार थी। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह की टॉर्च है आपके पास, डीप लाइट की टॉर्च है दोस्तों, 4.6 वोल्ट की इसमें ये बैटरी, 4.5 वोल्ट की ये बैटरी इसमें लगती है। ठीक है, बढ़िया बैकअप देती है, रिपेयर करने में आसान है, सक्सेस लाइट है, 2 किलोमीटर की रेंज में ये उजाला है इसका दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है।